They'll drive me crazy. प्यारे दोस्तों, तो समय हुआ है 12 o'clock और मैं जा रही हूँ उस मॉलशेस की डिलीवरी करने के लिए एंड दूसरी चीज करने के लिए ग्रोसरी शॉपिंग एंड मुझे आलतू फालतू चीजें भी चाहिए। मैं वॉलमार्ट जाऊंगी और हमारे यहाँ पे चल रहा है लॉकडाउन, जिसके चलते ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं अनलेस बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या कुछ असेंशियल करने के लिए जाना हो। सो मैं ही जा रही हूँ एंड मैं एक्स्ट्रा चीजें खरीद के लाऊंगी ताकि दोबारा मुझे जल्दी जाना नहीं पड़े। सो यस, बहुत सारी ग्रोसरी की चीजें एंड फ्रूट्स बिल्कुल खत्म है। क्या क्या चीजें हम लोग एवरी डे कंज्यूम करते हैं। यस, दैट्स इट। सो आज मेरी किस्मत अच्छी है कि हमारी ऑक्स भी चल रही है। वो बहुत ज्यादा बेचारी कभी कभी चल दिया दोस्तों। आज टेम्परेचर 2 degrees है प्लस। सन बिल्कुल दिख नहीं रहा है एंड बहुत ज्यादा धुंधला दिन है दोस्तों। अ ग्लूमी ग्लूमी डे एंड आई हेट ग्लूमी डेज, आई लव सनी डेज। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं जिसमें हम दिखाएंगे हमारी स्ट्रेंथ है। दर्द खानी है जिस बंदे ने सोफे ने बैठाता पहला और जित, और आपको पता चल जाएगा कि किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये हम करेंगे हिम्मत के साथ, डैडी के साथ एंड मॉमी के साथ। आर यू गाइस रेडी? आर यू रेडी? नो नो, आई एम रेडी। यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, डैडी इज नॉट रेडी। तू ही ना मेरी पेट हिलानी है सोफे से। ओके, कमजोर जी के रखी है तुमने। पाए सोफे दे के पाए जिथे मर। नो नो, मी मी। 3 2 1 नो नो। ओके, टाइम आउट, टाइम आउट। ओके, मेरे साथ गर्ल्स कार्ड नहीं खेलने का। विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड। ओके ओके। जेंडर कार्ड। ओके ओके। गाइस, हमने स्टॉपवॉच लगा लिया, हम देखेंगे कि हस्बैंड कितनी देर में पेट लगा देंगे। लाओ जोर से सिटारी गए। एंड टू कैसे? गाइस की हड्डियां तो टूटी हैं मगर किस्मत जान बड़ी है। ओके। करो भी करो। इसे गाने गाने अपने चलो करो। प्यारी नॉर्मल बिहेव करो, भूल दो कैमरे में। गाइस ये हमें चुप चुप के मारते हैं बेड पे। हाँ की फिर इस तरफ। प्यारी आपने सोफे पे ला लो, आपने सोफे पे ला लो है, कितने भी बढ़िया ने मिलो। यार जानी बहुत ज्यादा है एक्चुअली ना, ये दोस्त अपना जो बॉडी वेट है ना वो यूज करते हैं। दोस्तों पति को करते हैं ये तो हार देखे। हस्बैंड ने हार मान लिया पर मेरे पास एक हथियार है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का ब्लॉग देखे, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज फिर से हमने पूरा दिन खराब कर लिया है। खराब नहीं, एक्चुअली आज मैंने यूट्यूब पे लाइव किया था। अगर आप मेरे लाइव में आए थे तो थैंक यू वेरी मच। एंड उसी के साथ मैंने टिकटॉक पे भी लाइव किया था।
सो वो काम करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी एंड टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आराम करने के लिए चली जाती हूँ. अराउंड 1-1.5 बजे जब हिम्मत का स्कूल फिनिश होने वाला था तो मैं नैप के लिए चली गई. और मैंने नैप में लाइक अपने रूम में 2-3 घंटे स्पेंड किए. सो ऑलमोस्ट सारा दिन मैंने इसी में स्पेंड कर दिया. उसके बाद मैंने मेरी क्लोजेट को क्विकली क्लीन किया, क्योंकि जो भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ, जो भी मैं चीजें ले रही हूँ, वो सारा फ्लोर पे जा रही थी. और सबको मैं सेटल करके आई हूँ. अभी मेरी जो लॉन्ड्री मैंने वीकेंड में क्लीन की थी वो बेसमेंट में है. जो लॉन्ड्री मैंने वीकेंड पे क्लीन की थी उसे मैनेज करना अभी भी बाकी है, पर वो मैं आज नहीं करने वाली हूँ, उसको हम स्किप करेंगे. और आज आई डोंट नो, सोते समय मुझे प्लान बना रही थी मैं डिनर में क्या खाएंगे. आज हमारे मील में मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई थी सुबह अचार के साथ. सब्जी नहीं खाई मैंने फॉर सम रीजन. उसके बाद मैंने पी थी चाय एंड देन सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया. अब मैंने आके खाया है एप्पल, मुझे बहुत भूख लगती है. सोते समय मैं प्लान बना रही हूँ डिनर में क्या किया जाएगा. अगर मैं टाइम पे नीचे आ जाती तो मैं चिकन बिरयानी बनाने वाली थी, क्योंकि मैंने हिम्मत को प्रॉमिस किया था. बहुत सारे आप चिकन बिरयानी की रेसिपी भी जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे कुकिंग चैनल के लिए बिरयानी की रेसिपी भी शूट कर लूँगी. पर 6 बजा दिए हैं मैंने ऑलरेडी, और अब मेरा मन कर रहा है फ़िश खाने का. फ़िश की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मैं, बहुत ही रेयर खाते हैं हम फ़िश. पर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे फ़िश खानी है आज, पता नहीं खा पाएंगे या नहीं. सो यही है हमारी चर्चा. तो मैंने सोचा कि पति को थोड़ा परेशान किया जाए, तो फिर हम पति के साथ चैलेंज करते हैं. ओके दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि पति में ज़्यादा ताकत है, हम ज़्यादा पुश भी नहीं कर सकते. वैसे क्या है कि मैंने मेरी ज़्यादा ताकत यूज़ भी नहीं की, हमें बेचारे की हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो क्या फ़ायदा दोस्तों. तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा ताकत नहीं यूज़ करते, उसको जीतने देते हैं. क्योंकि आपने देखा कि पहले कुछ ट्राई में ही वॉज गुड फॉर नथिंग, पर फिर मैंने सोचा कि यार अपनी बॉडी को लीनियंट करते हैं थोड़ा सा और कर लेते हैं. लाइक लेट हिम विन, लाइक जो किसी को जिताने में खुशी आती है ना, वो खुद जीतने में नहीं आती. तो इसी वजह से मैंने मेरे हस्बैंड को जीत. गाइज, आपको ये मेरी ये डेली वीडियोज कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं. कमेंट करा करें, मेरे वीडियो को लाइक करा करें, क्योंकि लाइक एंड कमेंट से पता चलता है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है. लाइक से पता चलता है कि आप पसंद कर रहे हैं, कमेंट से आपके विचार पता चल जाते हैं. कई बार आप ऐसे विचार देते हैं जिससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए, या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मोटिवेट करते हैं हमें और वैसी वीडियोस बनाने के लिए. सो आपके कमेंट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज वो वाला दिन है कि अगर आपने मेरी वीडियो पर कभी कोई कमेंट नहीं किया है तो आज आपको करना पड़ेगा. जल्दी से जाएँ, एक प्यारा सा कमेंट करें और आपसे मैं बात करूंगी. आपके कमेंट के रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और मैं करूंगी. सो प्लीज़ कमेंट करें. ओके, एंड मेक श्योर करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल को भी क्लिक हो, क्योंकि अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. मैं आपको एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ, आपको अपनी कोई अधी अधूरी नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ, लाइक आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सिमॉर्डनेस छिड़कने की कोशिश करती हूँ. सो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट करें मुझे. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अपने दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर से करें. ओके, एंड यस, अब डिनर में क्या खाएंगे उसकी चर्चा की जाएगी, बट जब हस्बैंड डाउनस्टेयर्स आएंगे. हस्बैंड अभी फ़ोन पे बिजी हैं, आई थिंक वो थोड़ा स्पेंड करेंगे समय. हस्बैंड फ़ोन पे बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू टॉक टू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं. जब भी उनको कोई फ़ोन आता है ना, ही इज़ बेस्ट, बहुत अच्छी बातें करते हैं. और आई डोंट नो, मैंने उन्हें कहा है एक्चुअली बहुत बार कि वो लाइक मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को. ये वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्रेस करती हूँ मैं, पर जब आप मेरे सामने लाइव आ जाते हैं ना, मुझे अंदर से बहुत अच्छा मज़ेदार फील हो रहा था, बहुत मज़ेदार फील हो रहा होता है, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि ओ माय गॉड मैं तुम्हें देख के कितना खुश हूँ. ऐसे कई दोस्तों के साथ कर पाती हूँ, पर अननोन लोगों के साथ नहीं कर पाती हूँ. पर हस्बैंड इतने बढ़िया है ना, वो किसी भी अननोन बंदे को ऐसे कम्फर्ट फील करा देते हैं कि वो उससे बहुत समय से मिल रहे हैं. ये उनकी बहुत अच्छी खासियत है कि वो हर एक के साथ ऐसे बातचीत करते हैं जैसे यारा दे यार हों, लाइक बहुत समय तो जानते हैं उन्होंने. ये मुझे उनसे, ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कन्वर्सेशन करते रहूँ, कन्वर्सेशन को शुरू करूँ, पर मैं नहीं वैसी नहीं हूँ जैसे वो हैं. सो ये बहुत अच्छी उनकी बात है. वैसे मैं भी कंफर्ट फील कराती हूँ अगर मेरे घर पे कोई आया या कोई अननोन है, पर कन्वर्सेशन शुरू करने में मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ. पर पति इसके लिए बहुत अच्छे हैं,
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੂੰ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਫੇਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਆ ਯੇ ਵੋ, ਪਰ ਵੋ ਲਾਈਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਸੇ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਰਗੋ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ ਹੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ, ਜਬ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਹਮ ਹੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਸਕੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਪਾਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਹਮ ਸਿਰਫ ਵਰਗੋ ਕੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਬ ਮੈਂ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵਰਗੋ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੋਂ ਜਾਂ ਵਰਗੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵਰਗੋਸ ਕੇ ਲਈ ਹੋਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਗੋ ਵਰਗੋ ਹੀ ਦੇਖੇ, ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕੋ ਟੋਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਛਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਂ, ਪਰ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਹਮਾਰੀ। ਸੋ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਯੂ ਨੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਮੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਐਂਡ ਹਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਵਰਗੋਸ ਕੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਬ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਆਪਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ, ਐਂਡ ਕਿਸੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਵਰਗਸ ਕੋ। ਯੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਊਨ ਸਟੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਸਾ ਖਾ ਲੈਂਗੇ ਚਟਨੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਡੋਸਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਤੋ ਯੈਸ ओके कह रहे कि मैं मसाला बनाता हूँ और मसाला डोसा बनाएंगे बिना सांभर के। ऑल इट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें, बेल को जरूर क्लिक करें, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा मैं इतने वीडियो पाई जानी या आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें। मैं मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Bye.